नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्क्लोस बैंगलोर ओनर ऑफ लीला होटल। इन्होंने अपना रिसेंटली DRHP फाइल कर दिया है। अभी हमने रिसेंटली का कई सारे IPO यहाँ पे आते हुए हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि DRHP यहाँ पे काफ़ी जने यहाँ पे फाइल करते हुए दिखने मिलते हैं। लास्ट हमने देखा यहाँ पे NTPC ग्रीन ने यहाँ पे फाइल किया, HDFC बैंक ने भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया कि HDB फाइनेंशियल का IPO लाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे IPO के हमें न्यूज़ आते हुए दिखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे मार्केट चल रहा है। तो इस मार्केट के अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें IPO आते हुए दिखने मिलेंगे, क्योंकि पिछले टाइम पे कई बार देखा है कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे आते हैं तो फिर कई सारे हमें IPO यहाँ पे देखने मिलते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे जो वैल्यूएशन चाहिए वो वैल्यूएशन पे उनको यहाँ पे अपना IPO लाने मिल जाता है। तो देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर स्क्लोस बैंगलोर ओनर ऑफ लीला होटल्स के बारे में। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। कंपनी के यहाँ पे ओवरव्यू की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ पे स्क्लोस बैंगलोर जो है यहाँ पे लग्जरी होटल चेन द लीला का यहाँ पे फाउंडर है, और यहाँ पे 12 लग्जरीज होटल है इनकी अक्रॉस 10 सिटीज़। 10 राज्यों के अंदर इनकी 12 लग्जरी होटल यहाँ पे देखने मिलती है। अगर यहाँ पे इनके प्रमोटर की बात करें तो प्रोजेक्ट बैलेट बैंगलोर होल्डिंग DAFC इनके यहाँ पे प्रमोटर है, जो यहाँ पे ऑन करते हैं स्क्लोस बैंगलोर की, और स्क्लोस बैंगलोर यहाँ पे ऑन करती है द लीला द होटल चेन को। और अगर इसकी बात करें प्रोजेक्ट बैलेट बैंगलोर होल्डिंग की, तो वो एक ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट का यहाँ पे पार्ट हमें देखने मिलता है, यानी इनडायरेक्टली यहाँ पे ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट से बैक ही ये वाली कंपनी हमें देखने मिलती है। इसके अलावा जो दूसरे प्रमोटर है वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बैलेट ग्रुप के ही है, वो भी DIFC से ही है। अगर यहाँ पे एक्सपांसन प्लान की यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 2028 तक यहाँ पे 8 new hotels खोलने का इनका प्लान है, जो भी फिलहाल में 12 होटल्स से यहाँ पे बढ़कर यहाँ पे 20 होटल होते हुए देखने मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर 2028 तक। अगर यहाँ पे कंपनी के अर्न कैसे करती है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी होटल रूम बुकिंग से, फूड एंड बेवरेज सर्विस से, इवेंट होस्टिंग से, जो भी वेडिंग के इवेंट्स होती है, कॉन्फ्रेंस होती है या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे होटल्स का यूज़ होता है। और यहाँ पे जो होटल्स के अंदर ही जो फूड्स एंड बेवरेज का रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है उससे भी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे इनकम जनरेट करती है और होटल्स की बुकिंग का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा अदर सोर्स की यहाँ पे बात करें तो ये दूसरी होटलों को मैनेज करने का भी काम करती है, और यहाँ पे वहाँ से भी ये कमीशन लेती है। इसके अलावा यहाँ पे लग्जरी स्पा एंड वेलनेस सर्विस भी यहाँ होटल हमें प्रोवाइड करते हुए देखने मिलती है। इनके काफ़ी बड़े होटल्स हमें देखने मिलते हैं इंडिया के अंदर, तो इसके हम फोटोज भी देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पे हमने देखा है कि कंपनी के होटल्स के फोटोज़ भी देख लिए। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपनी के IPO के ओवरव्यू के बारे में। कंपनी के IPO की अगर यहाँ पे बात करें तो 5,000 करोड़ का ये IPO रहने वाला है, काफ़ी बड़ा हमें IPO देखने मिलेगा। हमने रिसेंटली देखा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े IPO भी हमें आते हुए देखने मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेश इश्यू यहाँ पे 3,000 करोड़ का रहने वाला है, यानी 3,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी को जाने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल है वहाँ पे 2,000 करोड़ का रखा गया है, और ऑफर फॉर सेल की यहाँ पे बात करें तो 2,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है, और यहाँ पे फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ की रहने वाली है। प्रमोटर की हमने अभी रिसेंटली बात करी कि ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट इनके प्रमोटर रहने वाले, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बैलेट ग्रुप फ्रॉम DIFC भी इनके यहाँ पे प्रमोटर है। जो इसके अलावा जो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है वो टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट बैलेट बैंगलोर होल्डिंग यहाँ पे बेचने वाले टोटल 2,000 करोड़ यानी 20,000 मिलियन का यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट बैलेंस बैंगलोर होल्डिंग को ही जाने वाला है। इसके लिए यहाँ पे बात करें कंपनी यहाँ पे पैसों का कैसे यूज़ करने वाली है, तो फ्रेश इशू के अंदर ये जो भी पैसा आएगा वो यहाँ पे बोरिंग के अंदर जाने वाला है। जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है स्क्लोस चाणक्य, स्क्लोस चेन्नई, स्क्लोस उदयपुर एंड TPRPL। इसके अलावा जो पैसा यहाँ पे बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाते हुए हमें देखने मिलेगा। यहाँ पे अगर रजिस्टर की बात करें तो KFin टेक्नोलॉजी इसका रजिस्टर रहने वाला है। अलॉटमेंट जब भी आएगा आप यहाँ पे KFin टेक्नोलॉजी पे जाके आप चेक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे हमें काफ़ी चौंकाने वाला नंबर देखने मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू तो इनका 415 करोड़ था 2022 के अंदर, जो यहाँ पे बढ़कर 903 करोड़ हो गया, और फिर यहाँ से बढ़कर हमें 1226 करोड़ होते हुए देखने मिला। और ये जो आंकड़े यहाँ पे ये फर्स्ट 2 मंथ के उसके अंदर 169 करोड़ का रेवेन्यू हमें होते हुए देखने मिलता है। पर यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है ही नहीं, यहाँ पे ये कंपनी फिलहाल में लॉस में चल रही है। हम देख सकते हैं कि 2022 के अंदर इन्होंने 319 करोड़ का लॉस यहाँ पे बुक किया था, इसके बाद 2023 के अंदर 61 करोड़ का, और यहाँ पे 2.13 करोड़ का हमें यहाँ पे लॉस बुक करते हुए देखने मिलती है। यानी कंपनी अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट में नहीं आई है, यहाँ पे टोटल अभी हमें लॉस में ही देखने मिल रही है। अगर टोटल एसेट की यहाँ पे बात करें तो 5,863 करोड़ के यहाँ पे टोटल एसेट से जो यहाँ पे बढ़कर 5,875 करोड़ हो गए, उसके बाद 7,061 करोड़ होते हुए देखने मिले, और अभी यहाँ पे 6,935 करोड़ के फिलहाल में इस कंपनी के पास हमें एसेट देखने मिल रहे हैं।
यहाँ पे ये कंपनी लॉस में, इसके कारण यहाँ पे हमें रिटेल के अंदर 10% ही होल्डिंग देखने मिलेंगी, QIB के अंदर यहाँ पे हमें 75% होल्डिंग देखने मिलेगी और NII के अंदर यहाँ पे हमें 15% होल्डिंग देखने मिलेगी। तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहने वाला है कि 75% प्लस 15% 90% और 10% यहाँ पे हमें रिटेल को आते हुए देखने मिलेगा। तो फिर यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे कंपनी को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है रिटेल की तरफ से, QIB की तरफ से। देखते हैं यहाँ पे इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं मिलता, वो आने वाला टाइम में हमको पता चलेगा जब ये कंपनी RHP फाइल करेगी और जब इसका फाइनलाइज डेटा आएगा, IPO का प्राइस और डेट सब कुछ आ जाएगा, तब हमें पता चलेगा यहाँ पे किस रीत का सब्सक्रिप्शन रहेगा, किस रीत की यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए देखने मिलेगी और किस रीत से यहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हमें इसके अंदर देखने मिला, वो आने वाले टाइम में यहाँ पे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर की। तो यहाँ पे JM फाइनेंशियल, बोफा सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, कोटक महिंद्रा, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, IIFL सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल और SBI कैपिटल, ये इनके यहाँ पे बुक रनिंग लीड मैनेजर होने वाले हैं। यानी जो भी यहाँ पे IPO का पूरा काम है वो यहाँ पे ये लोग संभालते हमें देखने मिलेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।